भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विदेवदिन्दे कवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। हर हर महादेव के साथ एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:30 सुबह के, एंड हर की पौड़ी में अभी हमने स्नान किया है और जस्ट हम आरती देख के जा रहे वापस। बेसिकली यहाँ से तो वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी हरिद्वार से वापस घर नहीं जा रहे, और भी जगह जो कि आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले चंडी देवी टेम्पल, लेकिन जो आप देख सकते हो मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बहुत खतरनाक जो है बारिश आने वाली है, और हल्की हल्की बूंदें मेरे शरीर में पड़ भी रही है। तो मैं यही दुआ करूंगा, आशा करूंगा कि बारिश तो ना हो। भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विदेवदिन्दे कवम भवानी सहितम नमामि। हरी के द्वार आए हैं तो यहाँ से प्रसाद लेना तो बनता ही है, वरना घर वाले भी बोलेंगे तुम अकेले गए दर्शन करके, हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए। गंगा जल तो ले ही लिया है, साथ में प्रसाद भी ले रहे हैं, ताकि घर पे जाके भी अपने परिवार को भी यहाँ का जो थोड़ा बहुत चीजें है वो उसका लुफ्त उठा सके। वो लुफ्त नहीं बोलूंगा, जो श्रद्धा होती है मन में वो खुद नहीं आ पाए तो मेरे द्वारा जो है वो भी प्राप्त कर सके। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि हम लोग जो है चंडी देवी टेंपल जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वेदर को देखते हुए हमने ये सोचा कि भाई पता ही आपको माउंटेन के ऊपर है वो, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि चंडी देवी जो है जो टेंपल है वो माउंटेन के ऊपर है, एंड काफी ज्यादा वेदर खराब हो रहा है, तो हमें माउंटेन के ऊपर अभी जाना मुझे लगता है कि सेफ नहीं है। हम अभी आपको घुमाने वाले ऋषिकेश, और ऋषिकेश में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हम जाने वाले है, वहाँ पे आपको भी घुमाएंगे, एंड आप लोगों को जरूर मजा आएगा, क्योंकि जो प्लेसेस हम जाने वाले है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस है, एंड शायद आपके लिए नए हो वो जगह। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप करोगे तो शायद जो थोड़े थोड़े जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो जगह आप मिस कर सकते हो। चलो चलते हैं गाइस, रोड चेक करो, दोनों तरफ हरियाली, बीच में एक बहुत प्यारा रास्ता। सो गाइस अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं, 22 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, अभी बोर्ड पे लिखा हो तो 22 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। और मौसम जो है काफी गंदा हो रखा है, ऋषिकेश में जाके देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस ये हमारे सामने एक ऊबर जा रही है रीड्स, देखो इसका पीछे जो पीछे का जो ये बम्पर है ऐसा लग रहा है कि अभी टच कर ही जाएगा नीचे, आई डोंट नो गाइस कैमरा जस्टिफाई कर पा रही है भी या नहीं। आगे ये जो इस बिल्डिंग के पीछे जो आप देख रहे हो ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ये पहाड़ है, और पहाड़ के बीच में ये बादल है, क्लाउड्स है, और मतलब छुप रही है, आई डोंट नो कैसी जस्टिफाई कर रही होंगी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था कुछ जगह है जो आपको दिखानी है, तो पहली जो जगह है वो मैं बताऊंगा कि हम जहाँ पे खड़े हैं अभी, ये एक लाइक देखो आप एक ब्रिज सा है छोटा सा, और ये जो जगह है ये काफी लाइक इंटरेस्टिंग है। लोग जो है ना, लोग अगर ऋषिकेश की तरफ आते हैं तो जाते कहाँ है, या तो लक्ष्मण झूला जाते हैं या तो राम झूला जाते हैं। हम अभी सेंटर में, दोनों हमारे दो साइड में, एक तरफ एक देख सकते हो आप ये राम झूला है, और एक तरफ वो देख सकते हो आप दूर में, अगर उधर देखोगे वो दूर में तो वो लक्ष्मण झूला है। एंड हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये एक लाइक अट्रैक्शन पॉइंट है, जहाँ पे लोग आके दोनों जो झूले हैं मतलब जो ब्रिज है एक साथ दोनों का जो है लुफ्त उठा सकते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ देख सकते हैं। देखो जो व्यू है, जो लाइक देखने में ना नज़ारा अभी आ रहा है, और अभी कुछ 6:30 के आसपास बजे हैं, एंड देखो नज़ारा पहाड़ों के ऊपर बादलें, नीचे बहुत लहरें, बहुत तेज़ी से लाइक एक बोलते हो ना बहुत साफ पानी तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जो लहरें दिख रहे हैं वो काफ़ी कमाल के दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आके आप 30 मिनट्स भी अपनी बिताते हो ना तो काफ़ी पीसफुल एक माइंड के साथ आप वापस जाते हो। एंड इस लोकेशन का जो है मैं आपको गूगल मैप का जो है लिंक भी दे दूंगा, जब भी ऋषिकेश आते हो इस पॉइंट पे तो आना बनता है।
सो गाइस अब जो लोकेशन में हम जा रहे हैं ना, वैसे रास्ता तो हमने दिखाया नहीं, बट हाँ इसका भी जो है गूगल लोकेशन जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है एक हिडन वाटरफॉल और इतना खूबसूरत है, अगर सही में पानी उस हिसाब से गिर रहा होगा ना जिस हिसाब से मुझे लाइक लोगों ने बताया है, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो वही जा रहे हैं। तो बेसिकली हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन में और इस वाटरफॉल का नाम है तपोवन वाटरफॉल, जो कि हिडन है बोल सकते हो। एंड जिस लोकेशन में हम आए हैं ये काफी जो है ऊपर है, अब कितना 1000 ऊपर है ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैंने जितना अपनी गाड़ी का भी यहाँ पे चढ़ाया है मेरे हिसाब से मेरा तो दिमाग खराब हो गया। अगर आप गाड़ी लेके आते हो, अगर 2x4 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है चढ़ाने में, मैं बोलूंगा बाइक से आओ, या फिर अगर 4x4 है थार वगैरह है तो आराम से इस जगह पे आ सकती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप सोचोगे कि भाई वाटरफॉल के पास तो आ गए लेकिन यहाँ पे और कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, तो मैं बता दूं यहाँ पे कैफेज है जो कि काफी मेंटेन है एंड काफी कुछ यहाँ पे मिलता है फास्ट फूड के लिए भी, एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर ठहरना है तो भी। एंड मैं बता दूं यहाँ पे बाहर में सिटिंग के लिए भी इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। वाटरफॉल के साउंड के साथ यहाँ पे वाटरफॉल जो हो रहा है ये नीचे वाला, इसके साथ जो है अपने जो भी खाना पीना है वो आप इंजॉय कर सकते हो। बाकी हमने मोमोज ऑर्डर किया है, उत्तराखंड में भी आके मोमोज ही खाने हम, मेरे को नहीं इन भाइयों को, मैंने नहीं खानी भाई, इन भाइयों को मैंने नहीं खानी भाई, मैंने खाने में मोमोज खाते ही नहीं, नहीं करता मैं खाता हूँ। क्या कह रहे हैं भाई, लौकी है भाई मोमोज में, टेस्टी है कि नहीं? टेस्ट का तो अगले बाइट में पता चलेगा भाई, चलो खाना पकड़ के। कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आपको पीछे दिख रहा है ये मेन नहीं है, वैसे मेन जो है उस साइड में है, वैसे यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं लोग आके, क्योंकि ऐसा जगह है जहाँ पे आके लेट सकते हो आप इंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। वैसे वाटरफॉल जो है उसका आपने देख ही लिया होगा प्री वेडिंग शॉट, कैसे लगा ये लोकेशन जरूर मेरे को बताना। और थोड़े बहुत और भी जो हमने एंजॉयमेंट करा उसके लिए आप झलक देख ही लीजिए, ताकि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ और लव वंस के साथ यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते। तो गाइस इससे पहले मैंने दो प्लेसेस दिखा दिया है जो कि हिडन है, ऋषिकेश में एक और प्लेस है जो कि हिडन है, उसको बोलते हैं प्राइवेट बीच या फिर नीम बीच के नाम से भी वो फेमस है। अभी जो है मैं वहीं पे आया हुआ हूँ एंड आपको दिखाता हूँ उसको प्राइवेट बीच क्यों बोलते हैं। इस बीच के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है एंड बहुत कम जो यहाँ पे लोग आते हैं, तो ये टूरिज्म प्लेस लेकिन यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। वैसे तो बारिश हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए ये प्लेस भी कवर करेंगे। तो भाई देख सकते हो इसको प्राइवेट बीच या फिर नीम बीच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल बीच जैसा ही आपको लगेगा, जैसे बीच में लहरें आती है और जैसे सैंड होता है, समझ सकते हो इसको क्यों प्राइवेट बीच कहा जाता है, क्योंकि ये बीच काफी छोटा है एंड ये समुद्र भी नहीं है, ये गंगा है, लेकिन ये फिर भी बीच है क्योंकि फील बीच जैसा ही देता है। ये है हमारी जो है थर्ड हिडन प्लेस इन ऋषिकेश और इसका भी लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एक जगह और है जो कि मैं चाहूंगा कि ये सब घूमने फिरने के बाद आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो खाने पीने में या कहीं पे भी, लाइक कैफे ढूंढते हो ना तो एक ऐसा कैफे भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि हिडन है लेकिन बेस्ट है, हिडन नहीं बोलूंगा, काफी लोगों को पता है, काफी लोग जाते भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा और मैं मानूंगा कि वो हिडन है क्योंकि वो बहुत एक नंबर कैफे है। भाई आ जाओ, अब तो ये पूरा चढ़ के मान जाएगा। अरे ओए उतर नहीं पाए, खड़ी सीढ़ी चढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है? आजा नीचे आजा। तो बेसिकली ये देखो खड़ी चढ़ाई चढ़ गया, ये ऐसे पता नहीं चल रहा लेकिन पूरी खड़ी चढ़ाई में चढ़ा हुआ है। जा धो के पैर जा, अब कहाँ चल रहा है? वही जा, तो वही जाके धोए और कहाँ जाए? तो क्या ऐसे दुकान पानी है ना, पानी धो लेंगे। किधर है पानी? कैसा लगा? मस्त लगा मिलेश भाई।
पानी नहीं मिल रही तो चढ़ा गया ऊपर, पैर गंदे क्यों करे? चूल मची थी, चूल मची थी। एंड में बंदा मांग के ही अपना हाथ पैर धो रहा है, मतलब पानी यहाँ से, यहाँ पे किसी लोकल से मांगा है, बच्चा था छोटा सा, पानी दे गया और अभी ये अपना हाथ पैर धो रहा है। बहुत चुल था इसको, बहुत चुल बोलते हैं ना, बहुत चुल जब बंदे में होता है तो ऐसे ही काम करता है और फिर खुद ही फंसता है। सो गाइस, यही हमारा लास्ट लोकेशन जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने वाले और बैठ के थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। और ये लोकेशन एक प्राइम लोकेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो अपने लव वंस के लिए या फिर फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आके बहुत टाइम जो है अपना एंजॉय कर सकते हो और टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पे आते ही मैंने अपने शूज़ या चप्पल जो भी है यहाँ पे उतार दिया, तो ऐसे ही सबको यहाँ पे उतारना पड़ता है और नंगे पैर ही अंदर जाना पड़ता है। तो घुसते ही आपको कुछ ऐसा जो है व्यू देखेगा, ये रिसेप्शन है और इस कैफे का नाम है शांति शांति कैफे। सब कुछ मिलेगा जैसे भैया ने लिख रखा, तो यस यहाँ पे सब कुछ मिलता है। एंड भैया ने, मैं बोलूँगा कि ऐसा ये लोकेशन तैयार करा हुआ है कि बहुत ही अच्छा जो है, बोलते हैं ना कि देखने में अच्छा लगता है तो बैठने में और टाइम स्पेंड करने में ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। एंड लेकिन बात ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा हिडन कैफे भी है जो कि इतना अच्छी तरह से मेंटेन करा हुआ है लोगों ने। जिनको पता है वो तो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, जिनको पता नहीं है वो मिस कर जाते हैं। तो मैं आज इसीलिए इस कैफे में आया हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो भी साथ में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको इस कैफे का जो है एग्जैक्ट जो है लोकेशन लिंक में मिल जाएगा गूगल मैप का, बट यहाँ पे आके फिर भी आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि जो ये लोकेशन है ये काफी अंदर के साइड में है। नीचे का हो गया जहाँ पे बैठ सकते हैं एंड देख सकते हो अभी भी साफ सफाई, मतलब रेगुलरली जो है साफ सफाई करते रहते हैं। अब मैं ऊपर दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बैठे हुए, जैसे स्टेज देखो बनाया हुआ है एकदम लाइक वुडन स्टेज बनाया हुआ है, हाथों से बना हुआ है, नेचुरल सारे सामान यूज करे हुए, बाहर से चीज मेरे को नहीं लगता कि यूज किया गया है, ये खुद ही जो है कटिंग वगैरह किया गया ऐसा पूरा मेरे को तो लग रहा है। बाकी ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, दिस इज द लोकेशन जहाँ पे हम लोग बैठे हुए देख सकते हो, वो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी बड़ा जो है स्पेस है। एंड जो लोकेशन है ना, यहाँ से जो व्यू आता है बाहर का, ये है सबसे इम्पोर्टेंट और ये है एक लाइक देखने वाला चीज़। और यहाँ पे क्यों आए, एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे बैठ के जब आप इस लोकेशन का मज़ा ले सकते हो और कहीं क्यों जाओ। बाकी यहाँ पे जो खाना मिलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, कैसे है टेस्ट वाइज एंड सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाकी हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे इस वीडियो में, यही तक रहेगी, लेकिन एंड तक ज़रूर देख के जाना क्योंकि जो भी यहाँ पे खाना हम खाने वाले हैं वो भी काफ़ी टेम्पटिंग और काफ़ी जो है रीजनेबल प्राइस में है, जो कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो भाई मैं आराम से देखो बैठ गया हूँ, मतलब लेट गया हूँ, लेट गया हूँ और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं एंड सामने जो है संजय भाई से पूछेंगे। संजय भाई पहली बार आए हो आप यहाँ पे? पहली बार। लोकेशन कैसी लग रही है भाई? एक नंबर भाई, गदर। अब ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम? भाई मैं पूरे दिन रुक सकता हूँ, बिना सोए बिना खाए एक नजारा देखते हुए। खाना तो यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा, खाना पीना सब कुछ है। पीना मतलब पानी से लेके आप, मतलब हाँ चाय वगैरह टी वगैरह, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी नहीं मिलती, ये एक थोड़ा सा है। पानी वगैरह मिलेगा और जो खाना मिलता है मैं बोलूँगा फ्राइड राइस वगैरह बहुत अच्छा है, एक बार वो ट्राई करेंगे। बाकी मैं एक बार और पूछूंगा, लोकेशन कैसी लग रही है भाई? क्या बताऊँ, जोश आ रहा है, जोश। बाकी जिसको नहीं पता है, जो मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं देखते हो या फिर जो नए हो बिल्कुल ही, तो मैं बता दूं कि मेरा खुद एक जो है रेस्टोरेंट है, लेकिन भाई ये जो रेस्टोरेंट है ना इन्होंने काफी अच्छा मेंटेन करा हुआ है। मेरा जो रेस्टोरेंट है वो काफी एक मिनिमल सा है, मतलब गांव के अंदर एक रेस्टोरेंट, मतलब एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट जो होता है ना वैसा है। तो मेरे भी काफी कभी मन में आता है कि मैं भी उसको रेनोवेट करूँ एंड कुछ चीजें जो है इनोवेशन ऐसे ऐसे लगाऊं, लेकिन बात क्या हो जाती है पता है इस चीज का ना, उस जगह पे कदर नहीं है। अगर मैं कुछ भी कर लूँ ना उनको उस चीज से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कदर करने वाले लोग आते ही नहीं है। वो जो लोग आते हैं ना वो सिर्फ पैसे देखते हैं कि भाई कम पैसे में मेरे को ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी भी नहीं देखते बहुत लोग तो। और एक रेस्टोरेंट ओनर के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि हम लोगों को एक रेस्टोरेंट ओनर को यही चीज देखना चाहिए कि चाहे रेट हाई हो लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो है हम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बट रेट भी जो है बहुत मिनिमल रखा हुआ है। तो इस कारण जो है और भी बहुत सारे इनोवेशन करने को जो है मन तो करता है लेकिन ठहर जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कभी जो है अच्छा लोकेशन, प्राइम लोकेशन कोई हो, वहाँ पे जो है अपना एक नया सेटअप खोलूँ, वहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें करूँ, वो ज़्यादा लोगों को जो है अट्रैक्ट करेगी और उनके लिए करना भी सही है। जिनको उस चीज़ को बोलते ना, कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो और उसको कदर ही ना हो तो फ़ायदा क्या है, उसके लिए वो चीज़ करो जिसको उस चीज़ की कदर हो। बाकी भाई कुछ बोलना चाहेंगे? सौरभ भाई, इस लोकेशन को देख के और इस एटमॉस्फेयर को देख के मेरे को इनका मेन्यू थोड़ा हाई फाई लगने वाला था कि रेट वाइज,
कि बहुत कीमती होगा, लेकिन ये भाई बहुत जेन्युइन रेट है भाई। इसमें मैंने बोला था कि रेट जो है बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल रेट है उसका, मतलब कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं पे, मतलब भाई बेस्ट बेस्ट है, आप आ सकते हो। अभी तक खाना खाया नहीं है, खाना खा लेंगे उसके बाद बोलना है, अभी यहीं पे रुके हैं। ये चीज़ देख के भी लाइक मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि ये जो पानी का बोतल जो भाई लेके आया अभी हमको सर्व करने के लिए, ये पानी का बोतल नहीं है, ये पानी का मटका है, मतलब ये मिट्टी का है, ये लाइक इसमें पानी रखा गया है, ये बिल्कुल मतलब फ्रिज का नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, और इसमें ठंडा पानी है, मतलब बहुत ठंडा नहीं बट नेचुरल जितना ठंडा होना चाहिए। नेचुरल दिल और तूने क्या क्या देखा वो नहीं बता। तो भैया जी हमारे जो है फर्स्ट जो हमने ऑर्डर किया है वो आ चुका है, जो कि है चाय और चाय के साथ पकौड़े, और इस लोकेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन सबसे ऊपर। खा के टेस्ट करके बताते हैं, पहले तो एक पता नहीं बैंगन का था शायद, बढ़िया लगा। रेट वगैरह बहुत रीज़नेबल है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो गाइस मैंने जो है नूडल मंगवा लिया है, साथ में थुक्पा, फ्राइड राइस और फिर से नूडल, यही चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी मैं बोलूँगा ये चीज़। और रोमी भाई क्या रिव्यू देना चाहोगे? अब देख बढ़िया बढ़िया। और थुक्पा पिछली बार जैसे आया था ना, मैं तीन बार आ चुका हूँ इस वाले में, और इनको मैं लेके आया हूँ, जैसे इनका एज यूजल टेस्ट है वैसे है। उस फ्राइड राइस में थुक्पा ठीक है, हाँ ठीक है, बट फ्राइड राइस में पहले जैसे 10 out of 10 था ना, 7.5 दूंगा, कम हो गया टेस्ट में, थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है, जल्दबाजी में हो सकता है, लार्ज क्वान्टिटी में बनाया होगा इसलिए हो सकता है। एंड मैं बोलूँगा इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कितना है। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसी केस के ऐसे ही अमेजिंग प्लेसेस अगर आपको सही में घूमने थे या फिर आपको नहीं पता था और आप जान गए हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, और आपके एक एक कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में, आज के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।